विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते शॉर्ट सर्किट से फूस के छप्पर में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुरसंडा निवासी विधवा महिला दिलवासा पत्नी स्वर्गीय राम हुकुम फूस के छप्पर में निवास कर रही थी, जो कि पास में ही लगा ट्रांसफार्मर मंगलवार रात विद्युत के बिल की चिंगारी की वजह से आग लग गई, जिसके घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में ग्रामीण के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फोन मिल नहीं सका। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है कि ट्रांसफार्मर हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जब मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से वहां का जायजा लिया तो देखा गया घर में रखा हुआ जेवरात सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे महेश कुमार कैथल एसडीएम ने त्रिपाल कंबल उपलब्ध कराया तथा एक बोरी गेहूं एक बोरी चावल भी उपलब्ध करा दिया। दिलवासा ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से जेवरात सहित लाखों रुपये का नुकसान हुआ। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगीराज जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए समय जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुरसंडा में मौजूद है, जहाँ पे गरीब महिला ने उसके छप्पर में 60-70 से आग लगी है। मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कैसे घटना हुई है। हम लोग गरीब है, ये किसी ने सुनील कुमार गुप्ता के लिए बताया।